SchoolEmate सॉफ्टवेयर की तरफ से आप सभी यूजर्स को वेलकम। मैं आज आप सभी को SchoolEmate में किस तरह से टीचर अटेंडेंस लगाते हैं उसका मैं डेमो आपको दूंगा। कैसे हम टीचर्स या स्कूल के अंदर किसी और एम्प्लॉई को कैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, डेली अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर को कैसे कंप्लीट करेंगे और मंथली सैलरी हम SchoolEmate सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आपको मैं डिटेल से आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस SchoolEmate सॉफ्टवेयर के अंदर जिस डिवाइस का यूज़ करके हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे उसके बारे में दिखा देता हूँ। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस है FM220। आप इसको मार्केट से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इस बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ करके हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर टीचर की अटेंडेंस व किसी अन्य और एम्प्लॉई की अटेंडेंस इसमें लगाएंगे। देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें सिस्टम ऑन करना है फ्रंट डेस्क SchoolEmate सॉफ्टवेयर से और एडमिन लॉगिन में हम जाएंगे। एडमिन लॉगिन में जाने के बाद हम जाएंगे एम्प्लॉय मास्टर के अंदर। एम्प्लॉय मास्टर में मैनेज एम्प्लॉय के अंदर आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन के अंदर आप अपने जो भी एम्प्लॉयज आपके स्कूल के अंदर हैं उन सभी स्कूल का डाटा आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है, एम्प्लॉय का नाम देना है, एम्प्लॉय के फादर का नेम, इस तरह की उसकी जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, रेगुलर है, वर्क टाइप उसका कैसा है, टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको जो आप सैलरी मंथली देते हैं आप इसमें लिख देंगे। होम असेंबली जो भी आपकी होगी वो लिख दें इसमें। एड्रेस उसका कंप्लीट आप यहाँ पर एड्रेस दे दें। ऐसे में टीचर का ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर और उसका स्टेटस कि वो एक्टिव टीचर है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपके स्कूल के अंदर है ताकि आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर देना है तो वो आप उसको दे दें, दे सकें एक्यूरेट डेट आप इसके अंदर रखें। जैसे मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी डेटा था हमारा प्रोफाइल इमेज भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं जो किसी टीचर की प्रोफाइल होगी। जो जैसे मैंने एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया। एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद अब हमें उसकी अटेंडेंस के लिए फिंगर प्रिंट जो है वो इसके अंदर रजिस्टर करना है। हम मशीन लेंगे, मशीन लिया मैंने, मशीन पे कैप्चर पे क्लिक किया, मैंने उसके अटेंडेंस सिंबल इसमें रजिस्टर कर दिया। आप ये ऑफलाइन मोड में काम करेगी, जो भी डाटा होगा आपके लोकल कंप्यूटर पे ही सेव होगा, किसी जगह पर भी शेयर नहीं होगा, तो हमारे लिए सिक्योर डेट में आपका सिस्टम ही। यहाँ पर 5 सिंबल इनके रजिस्टर कर दिए ताकि डेली इनकी अटेंडेंस आसानी से लग जाए। इस तरह से कैप्चर करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद डेली ये टीचर्स आपके स्कूल में आएंगे रात ही फर्स्ट टाइम पे उनको स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर टीचर अटेंडेंस नाम का ऑप्शन होगा, यहाँ पर वो डालेंगे अपना कोड और कोड डालने के बाद वो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे इस पर उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जैसे अभी मैंने रजिस्टर किया था गौरव जीमेल मोबाइल नंबर, ये इनका इन टाइम है और ये इनका आउट टाइम है। अब अगर ये दोबारा से अगर आप इसी यही एम्प्लॉय दोबारा अटेंडेंस मार्क करते हैं, दोबारा जब मार्क होगी तो पहला आपका स्टेटस इन टाइम था और ये आउट टाइम है और अब स्टेटस इनका क्लोज हो चुका है। इस तरह से आप इसमें अटेंडेंस डेली सभी के सभी टीचर्स और सभी के सभी एम्प्लॉयज इसके अंदर मार्क कर सकते हैं।
अटेंडेंस मार्क करने के बाद अब हम देखते हैं किस तरह से एम्प्लॉय के अटेंडेंस डेटाबेस के अंदर कैसे रिकॉर्ड होती है और किस तरह से हम उसकी सैलरी इस एप्लीकेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो एम्प्लॉय मास्टर के अंदर जाएंगे आप, एडमिन के अंदर, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन मैनेज अटेंडेंस। मैनेज अटेंडेंस के थ्रू आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस डेट की आपको अटेंडेंस मैनेज करनी है, चेक करनी है। आप वर्क टाइप सिलेक्ट करोगे, चेक पे क्लिक करोगे, इस तरह से आप यहाँ देखते हैं कि जैसे अभी मैंने गौरव नाम से जो पर्सन है उनकी अटेंडेंस अभी हमने मार्क की थी। यहाँ हम देखते हैं ये अटेंडेंस डेट है और अटेंडेंस इनका टाइम या आउट टाइम, इसने वर्किंग आवर कितना किया है, वो अटेंडेंस का स्टेटस क्या है, फुल है और स्टेटस उसका क्लोज है। यहाँ से आप जैसे आप राजेश कुमार है स्कूल थ्रू, इनकी आपको मैनुअल अटेंडेंस लगानी है तो वो भी आप यहाँ से इनकी अटेंडेंस मैनुअल लगा सकते हैं। आप यहाँ से इनको अटेंडेंस आप फुल जो भी मार्क करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका अटेंडेंस इसकी आज की मार्क कर दी। इसे इनकी है, इनकी मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। मतलब आप दोनों तरीके से आप इसके अंदर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के थ्रू भी और आप मैनुअल भी। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि बाय चांस किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस नहीं लगती तो उसको आप बाद में भी आप उसमें मैनेजमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये राइट्स सिर्फ एडमिन के पास रहेंगे, नॉर्मल यूज़र इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम इसके अंदर अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आया काम हमारा मंथली अटेंडेंस चेक करने का और सैलरी स्लिप जनरेट करने का। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से 1 जून से लेकर के उसको आज तक की डेट में जो टीचिंग अटेंडेंस हैं, टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस देखनी है। तो इस तरह से पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा, जैसे गौरव है वो कितने प्रेजेंट हैं, उसकी कितनी एबसेंट है, कितने हाफ हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर। उनकी सैलरी जो होगी वो यहाँ आ जाएगी। आपको यहाँ क्या करना है कि उस मंथ के जितने भी वर्किंग डेज हैं, जो 25 वर्किंग डेज हैं, वो आपको इसमें इनपुट करने हैं और कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि इस जून मंथ की सैलरी प्रेजेंट इतनी है, एबसेंट इतनी है, टोटल सैलरी इतनी है और सैलरी पेड जो है उनको क्या जो सैलरी बनेगी वो यहाँ आ जाएगी। आप इसको सबमिट कर देंगे, ये सैलरी सब जनरेट सबमिट होगी और जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसका टोटल का कंप्लीट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और एम्प्लॉइज़ को आप इसको दे सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल देखा देगा कि टोटल सैलरी कितनी थी, उस महीने की पेड सैलरी कितनी है, कितनी प्रेजेंट है, कितनी एबसेंट है, हर एक टीचर की आप इंडिविजुअल यहाँ से निकाल करके प्रिंट दे सकते हैं, चेक करा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्कूलईमेट सॉफ्टवेयर के ऊपर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं टीचर्स की, उनकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सारा डाटा आपका यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो स्कूलईमेट सॉफ्टवेयर की तरफ से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सॉफ्टवेयर के लिए अपना कीमती समय दिया। वंस अगेन स्कूलईमेट सॉफ्टवेयर की तरफ से धन्यवाद।